हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका EWX में। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं गैस टॉर्च। तो दोस्तों इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक ऐसी बोतल की, कोई भी पुरानी बोतल ले सकते हैं आप, और एक ऐसी पाइप की जो आपको किसी भी मेडिकल शॉप पर 10 रुपये में मिल जाएगी। और दोस्तों हमने इसमें कुछ नहीं किया है, ये जो बॉटल का कैप है इस कैप में एक होल किया है और होल करने के बाद इसे ज्वाइंट कर दिया है। दोस्तों ध्यान रखें कि हमने इसे पूरी तरह से सील कर दिया है जिससे कि हमारी गैस लीक ना हो। तो और इसमें जो हमें जरूरत पड़ेगी ये है कैल्शियम कार्बाइड। दोस्तों हम इसको इसमें डालेंगे और पानी के साथ ये रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के दौरान ये एसिटिलीन गैस रिलीज करता है जो कि काफी ज्वलनशील गैस है। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं गैस टॉर्च। दोस्तों हमने इसमें पानी भर लिया है, थोड़ा सा ही पानी लिया है, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। दोस्तों हम ये जो है कैंडल का यूज करेंगे यहाँ पर, तो मैं कैंडल जला लेता हूँ। अरे यार, तो इसमें हम डालने वाले हैं, ये कैप हटा देता हूं। तो दोस्तों हमारी गैस टॉर्च बन के तैयार हो गई है, चलो इसे टेस्ट करते हैं। इसमें से काफी ज्यादा मात्रा में गैस निकल रही है, देखिए दोस्तों। ज्यादा गैस होने की वजह से ये जल नहीं पाती कभी कभी। ओ माय गॉड, ये सच में कमाल है दोस्तों। इसकी जो लाइट है वो बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सच में कमाल है दोस्तों। आप इसे अपने घर पर भी बना सकते हैं, पर पूरी सावधानी के साथ। दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा रोशनी हो रही है यहां पर। दोस्तों आप भी इसे अपने घर पर बना सकते हैं। इसे पूरा घोलकर देखिए, तो दोस्तों हमारी गैस खत्म होना शुरू हो गया है और इसे अब बंद करते हैं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, आप भी इस टॉर्च को बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही हमारी नई वीडियो कोई भी आती है, अपलोड होती है, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।